अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्लास 10th, सब्जेक्ट छो साइंस। टॉपिक करो इस कंटिन्यू इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। जिस तरह से आपको मालूम है कि पिछले क्लास में हमने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन एसिड्स एंड बेस पढ़ी है, और उसमें मैंने ये बताया था आपको कि टेस्ट के बुनियाद पे, यानी जिस तरह से टेस्ट सूअर और बिटर हमने लिया था, और जिनका सूअर टेस्ट था वो थे एसिड्स। ये तो मैंने आपको बताया है, बिटर का मतलब होता है ये बेसिस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है। और उसके बाद लिटमस पेपर जो लिया था, लिटमस पेपर ये टेस्ट करते हुए कलर के बुनियाद पे हमने देखा था। जिस तरह से हमने देखा वहां पे, मैंने आपको ये बताया था कि लिटमस पेपर रेड जब चेंज होता है ब्लू, इसी तरह से ब्लू लिटमस पेपर जब चेंज होता है रेड, और इसी तरह से जब रेड ब्लू होता है तो जो ब्लू या हम कहते हैं मिसाल के तौर पर जो मिसाल के तौर ब्लू टू रेड, व्हाट इज दैट, ये एक्चुअली जो लिटमस पेपर होता है ये एक इंडिकेटर है। ओके, एक एसिड बेस इंडिकेटर, इट शोज व्हिच इज एसिड एंड व्हिच इज बेस, व्हिच सब्सटेंस इज एसिड या व्हिच सॉल्यूशन इज एसिड, व्हिच सब्सटेंस व्हिच इज बेस। तो रेड से ब्लू होता है दैट इज कॉल्ड, या ब्लू से रेड जो होता है दैट इज एसिड, और रेड से ब्लू होता है वो है बेस। तो उसके बाद जब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमने मिसाल के तौर पर कुछ एसिड्स लिखे थे, यहाँ पे मैं एक दो एसिड्स का नाम लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ओके, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह से मैंने लिखा था साइट्रिक एसिड, इसी तरह से देखे ऑक्सैलिक एसिड, ये कुछ एसिड्स मैंने लिखी, ये एक ग्रुप बना, ये दूसरा ग्रुप। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये हम इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। क्यों कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स, इनको हम मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, ये ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स, फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ, जो मिनरल्स होते हैं उनसे हम ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद ये साइट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, जो ये चीजें जो हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और इनको हम दे आर नेचुरल एसिड्स, नेचुरली अकरिंग एसिड्स, इनको हम नेचुरली अकरिंग एसिड्स भी कहते हैं। ओके, तो ये कहां से ऑब्टेन हम करते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, मटेरियल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहां तक हमने थोड़ा देखा था। जो नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स होते हैं, आपको पता है कि इनमें ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें एलिमेंट होता है, दैट इज कार्बन, कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन इनमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये मोस्टली अकरिंग, और वी कैन से दैट मोस्टली अकरिंग दिस एलिमेंट दैट इज कार्बन इनमें होता है, किनमें, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं मिसाल के तौर पर, यहां पे एक चार्ट बनाऊंगा, आप देख सकते हैं
हम देखते हैं कि इनकी सोर्स क्या है, इस लिस्ट की सोर्स क्या है। मैं थोड़ा बहुत ये बनाता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं कुछ नाम इस लिस्ट के, एसिटिक एसिड, ओके नंबर एक। दूसरा लिखता हूं साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तीसरा लिखता हूं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। चौथा लिखता हूं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरह से लिखता हूं टार्टरिक एसिड। ये कुछ एसिड मैंने लिखी, यहां पे आप देख सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि एसिटिक एसिड या ये सब एसिड जो यहाँ पे लिखे हैं हमने, एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, इनके सोर्स क्या है, किन किन चीजों में ये होते हैं। जो एसिटिक एसिड होता है इनका सोर्स आप देख सकते हैं विनीगर होता है, सरका जिसको हम बोलते हैं, सरका उसमें होता है, सरका, सरका ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से हम देखते हैं साइट्रिक एसिड ऑरेंज है, लेमन है, ऑरेंज, ऑरेंज लेमन, खासकर इन चीजों में होता है, ठीक। फॉर्म एसिड आप देख सकते सिटिंग जो होते हैं कश्मीर पर बोलो इसकी यदि जिस दिवान जो रेश दिवान चोपियां स्वाइश लगा तो मतलब तात्मक जगह फॉर्म एसिड क्या सर, फॉर्म एसिड यानी इसमें लोग फॉर्म एसिड सिटिंग ऑफ बीज, बीज एंट्स रेजिम होना चीज नेटल्स में चीज आसन नेटल स्वाइ जैसा चीज स्वाइ यूज आसन चीज उसको उर्दू में बोलते बिच्छू घास उसमें होता है ये फॉर्म एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होते हैं, जो टमेटोज होते हैं मिसाल के तौर पर हम देखते हैं टमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ओके। इसी तरह से ग्रेप्स जो होते हैं, ग्रेप्स उसमें होता है टमेरिन, टार्टरिक एसिड या टमेरिन जो होता है टमेरिन, इसको कश्मीरी बोलते हैं तंबर जिसको हम बोलते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी एसिड्स हैं, उनके सोर्स ऐसे हैं कि एसिटिक एसिड लेमन है, साइट्रिक एसिड उसमें होता है, सिटिंग ऑफ बीज वास्प्स एंट्स नेटल फॉर्मिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में होता है, टार्टरिक एसिड होता है। तो इस तरह से बहुत सारी एसिड्स हैं जो मिसाल के तौर पर जिनके अलग अलग सोर्स होते हैं, ओके जिनके अलग अलग सोर्स होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सरका हमने लिया इसमें थोड़ा इस एसिड में थोड़ा ये पानी में इसमें पानी भी मिला हुआ होता है। अब हम देखेंगे कि जो एसिड्स हैं मतलब एसिड्स हम इसके बाद देखेंगे कि एसिड्स जो है किस में कितना ज्यादा पानी होगा किस में कितना कम पानी होगा। एक सॉल्यूशन बना के जब हम एसिड्स को लेंगे फिर देखेंगे वहां किस में ज्यादा पानी है और किस में कम पानी है, फिर उनके नाम क्या देते हैं ये हम अगले क्लास में देखते हैं।